अगर पत्थर बनकर आओगे तो इधर से मुहूर्त बनकर ही जाओगे। जाओगे यस। यहाँ पर तीसरे दिन में लाइव 4G पावर AC निकाल के लगा दी, बताओ दिखाओ एक बार सबको, ये देख सकते हैं आप जैसे। चलो ठीक है, अब मुझे बताइए चौथे दिन में लाइव 4G CPU निकाल के लगाया, चालू किया सेट को, चालू किया लाइव निकाल के। आप में से किन किन लोग ने बताओ, जो फ्रेशर्स को भी SMD पकड़े ही नहीं था हाथ में, वो कौन, वो हाथ उठाओ खाली जो SMD नहीं पकड़े थे हाथ में, दिखाइए। लाइव देख सकते हो, मतलब चौथे दिन इन्होंने CPU लगाया, दूसरे तीसरे दिन पावर लगाया और इन्होंने आज तक कभी SMD को ग्रिप नहीं किया था। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट भी आ जाके इंस्टीट्यूट खोल कर बैठे हुए हैं, हैदराबाद में बात करें, बेंगलोर में बात करें, दिल्ली में कितने स्टूडेंट खोल कर बैठे हैं, नेपाल में बैठे हुए हैं, साउथ में, कर्नाटका में बैठे हुए हैं, JNK में, जम्मू में बैठे हुए हैं, सूरत में बैठे, जो गुजरात में बैठे हुए हैं, आई मीन कहाँ, बैंगलोर, तुम्हारा बैंगलोर में बैठे हैं, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में बैठे हुए हैं। सो इट्स AC टेलीकॉम के स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के गए हैं। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। सो हाय माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं 28 फरवरी बैच। मेरे साथ में मेरी टीम यहाँ पे है, दीपक सर, मिलन सर और दुर्गेश सर। सबसे पहले जोरदार ताली बजाओ मिलन सर के लिए भाई। दुर्गेश सर के लिए जोरदार ताली बजाइए प्लीज। और यहाँ पर हमारे दीपक सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। देखो यहाँ पर आपको ताली बजाना है MD सर के लिए, बताइए। अमन के लिए ताली बजाइए प्लीज। एक बार देव सर के लिए। तो ये क्लास है हमारी, एक हार्डवेयर का इनका आउटपुट ले रहे हैं हम यहाँ पर। हमने अभी तक इनको 28 तारीख से, अभी तक जो आज हमारा डेट है 12 तारीख, और हमने इनको क्या पढ़ाया है कि इनसे डिटेलिंग कर रहे हैं कि इनको अब तक जो भी पढ़ा है इनको समझ में आया है कि नहीं आया है, ये यहाँ से क्या लेके गए, अगर हम इनको अभी मार्केट में छोड़े तो कितना काम ये कर सकते हैं, और अभी आने वाले टाइम पर क्या क्या सीखने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ आज की क्लास में हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं इनसे बात करने से पहले, मैं बहुत छोटा सा, देखो ये है ना वीडियो बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि इनकी क्लास और प्रैक्टिकली इनको हमने आज डेड का डायग्नोस आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर लेके आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस 50 सेटों को हमने डायग्नोस करके दिखाया है। ये सेट हमारे स्टूडेंट के सेट थे, ये आप ही के सेट थे ना सारे के सारे? ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट के सेट थे और यहाँ पर हमने इसको लाइव डायग्नोस किया हुआ है जो इनको आया है, और इसके बाद में ये प्रैक्टिकली करेंगे अपने सेटों में और आगे जाके क्लास में, क्योंकि ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के सेट बनाएंगे, MMC में MMC के बनाएंगे, और जो पावर और उससे बन सकता है वहाँ तक इनको मदद करेंगे बनाने के लिए IC देने तक की। बट अभी मैं इनसे पूछने से पहले पूछना चाहूंगा अपने टीचरों से, अपने गुरुओं से कि अभी ये इनको क्या खास देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दुर्गेश सर की, क्योंकि दुर्गेश सर का सेक्शंस है, कल से ये एक मीडियाटेक से क्लास के साथ चालू करेंगे और सॉफ्टवेयर में ये बताएंगे कि किस तरीके से इनको सिखाएंगे और किस लेवल पे सॉफ्टवेयर को ये इजी करेंगे, बताइए सर। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ, आज आप लोगों का हार्डवेयर सेक्शन खत्म हुआ है, कल आपसे सॉफ्टवेयर चालू होगा, उसके बाद MMC की क्लास, आप फुल कोर्स कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर की मैं अगर बात करूँ तो सॉफ्टवेयर में इनको जो कन्फ्यूज़न बना रहता है सभी को, यूट्यूब से देखते रहते वो फाइल नहीं चढ़ रहा, वो टूल काम नहीं कर रहा, अरे वो ऑनलाइन टूल है, वो ऑफलाइन टूल है। अभी कुछ दिन पहले स्टूडेंट बोल रहे थे सर वो तो हमसे 600 रुपये ले लेते हैं, ऑनलाइन का ले लेते हैं, पर अब कल से जब उनको क्लास होगी तो वो बोलेंगे क्या यार, वो तो हम तो ऐसे ही था, ऐसे ही बना रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन का कोई भी मसला नहीं होता है। यहाँ पे विथ प्रैक्टिकल यहाँ पे इनको दिखाएंगे कि ऑनलाइन को ऑफलाइन कैसे किया जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको आप ऑफ ऑनलाइन वाले जो आपके मोबाइल आ रहे हैं सेट है वो उनको आप फ्लैशिंग करवा देंगे, हम इनको ऑफलाइन करवाएंगे, ऑफलाइन स्टूडेंट से ही, स्टूडेंट से। और जो यहाँ पर फ्रेशर्स है, मुझे बताओ आप में से कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर में आज तक काम नहीं किया, बताइए, दिखाइए, सॉफ्टवेयर में काम नहीं किया बिल्कुल भी? तो फ्लैशिंग सीखना है यहाँ पर, मीडियाटेक से लेकर कॉलकॉम हो गए, सैमसंग हो गए, CPU सारे CPU की
एनी सीपीयू ये सब करेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, खुद स्टूडेंट ही करेंगे, वो भी लाइव देखेंगे, आप क्लास को भी लाइव देखेंगे जैसा डे बाई डे हम हार्डवेयर में देखते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो सर अब मेरे साथ में है मिलन सर। मिलन सर बताइए एमएमसी में इनको क्या देने वाले हैं? सॉफ्टवेयर में एक बात होती है जब हम फ्लैशिंग करते हैं और फ्लैशिंग के बाद में हम ड्राइवर चला रहे हैं। देखो सॉफ्टवेयर में हम टूल के बारे में समझते हैं, हम समझते हैं ड्राइवर्स के बारे में, फ्लैश फाइल के बारे में, और जब हम किसी फाइल को आप चढ़ाते हैं और फ्लैश करते हैं तब हम देखते हैं कि वो फ्लैशिंग पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, और जब हमें कुछ एरर्स आते हैं तो मतलब हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एरर है, वो एमएमसी का बग्स हो सकते हैं। सो मुझे बताइए एमएमसी में आप क्या इनको नॉलेज देने वाले हैं? नॉलेज सभी दे रहे हैं इंडिया में, मैं ये कहता हूँ नॉलेज बहुत लोगों को होगा, ऑब्वियस है बहुत से लोगों को होगा, हमारे स्टूडेंट भी आ जाके इंस्टीट्यूट खोल कर बैठे हुए हैं, हैदराबाद में बात करें, बेंगलोर में बात करें, दिल्ली में कितने स्टूडेंट खोल कर बैठे हैं, नेपाल में बैठे हुए हैं, साउथ में, कर्नाटका में बैठे हुए हैं, जेएनके में, जम्मू में बैठे हुए हैं, सूरत में बैठे, जो गुजरात में बैठे हुए हैं, आई मीन कहाँ बैंगलोर तुम्हारा बैंगलोर में बैठे हैं, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में बैठे हुए हैं। सो इट्स एसी टेलीकॉम के स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के गए हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि उनमें या बाकी टीचरों में और आपकी पढ़ाई में क्या अंतर होगा, इनको क्या मिलेगा? सर देखिए जो आपकी क्लास में हुआ हार्डवेयर पूरे ख़त्म हो गया और लाइफ आप लोग हार्डवेयर के सारे काम देखे, उसके बाद आप देखेंगे सॉफ्टवेयर की क्लास पूरी लाइफ, उसके बाद मैं आप लोगों को जितनी इस तरीके से सिखाऊंगा। जो क्या होता है एक टेक्नीशियन के पास सबसे बुरा बात होती है दो हाथ होने की वजह से क्या होता है कि वो दिन में कितने भी क्रिटिकल काम हो 10-12 काम कर पाएगा, और वही काम को अगर मेरे तरीके से अगर आप करेंगे वही एमएमसी की काम सीपीयू की काम तो आप दिन में 20 फोन बना पाएंगे, क्योंकि मैं आपको तरीका बताऊंगा, ओएस बताऊंगा, देखने से ही पता चल जाएगा कि इस फोन में क्या हो सकता है, देखने से ही सिर्फ पता चल सकता है, आपको डिटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देख के बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या नहीं, क्या करना होगा, कितने दूर में इसमें काम करूँगा, इस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। बाकी रही प्रोग्रामिंग की बात, प्रोग्रामिंग तो एक मैं बताऊँ तो कुछ नहीं है, आप लोग जो सोच रहे हैं कि सर प्रोग्रामिंग इतना बड़ा लंबा चौड़ा चीज़ होगा ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पर कोडिंग के हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, उसी तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे और उसी तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे जो कितनी आसानी हो सके। उसके बाद रही ब्लैक पेन, इनके प्रैक्टिकल सेट जो लेकर आए प्रोग्रामिंग में वो बनेंगे यहाँ पर? सर वो तो लाइव बनेगा और इन्हीं लोगों से ही मैं बनवाऊंगा, इन्हीं लोगों से ही बनवाऊंगा 3 दिन के बाद, ठीक है 3 दिन मेरी क्लास होने के बाद आप इन्हीं लोगों से ही बनवाऊंगा। बाकी रही ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड काला जादू कुछ भी नहीं है, वो भी इतनी आसानी से आप कर लेंगे जो मक्खन लगने लगेगी आपको, जो नॉर्मल आईसी जैसा ही लगने लगेगी आपको, देख के डर ही नहीं लगेगा। रही बात डबल डेकर तो बहुत आसान है, वन टाइम ओटीपी प्रोसेस में आप लोगों को सिखाऊंगा, ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड नहीं, यहाँ पे ओटीपी मतलब वन टाइम प्रोसेस, एक ही बार आप रिवॉल्व करेंगे फिक्स करेंगे तो आपका काम बनेगा, ठीक है। तो क्लास को और भी दिल से पढ़िए, देखिए, समझिए, मैं ही कहना चाहूँगा सर, और ठीक है थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में मिलन सर, दीपक सर है, दीपक सर बताओ थ्रू आउट अब तक का इनका जो स्टूडेंट है कैसे पढ़े हैं, आपने इनको देखा, आपने बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर देखा है, कब से आप एक साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं? मैं बोलना चाहूँगा कि मैं इनको 27 तारीख से काउंसलिंग क्लास से मैं इनको देख रहा हूँ, हालांकि बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं, जैसा मेहनत इन लोगों ने पहले दिन से लेकर अभी तक किया है, मैं यही चाहूँगा कि ये सॉफ्टवेयर से लेकर एमएमसी तक जैसा मैंने पहले दिन से किया वैसा ही मेहनत ये लोग करें, और बहुत प्यारे स्टूडेंट सर ये हमारे 28 फरवरी के स्टूडेंट हैं। इनको ये क्या बताना चाहेंगे? देखो आपने भी मेहनत बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की है, ये बिल्कुल आप जैसे सामने बैठे हैं आप भी इसी टाइम पे ऐसे थे यार। जी सर बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत वाला इंसान हूँ जो एशिया टेलीकॉम में एज ए टीचर आया, आप जैसे बैठे हुए हैं वैसे मैं भी आया था पहले 2019 में यहाँ पे काम सीखने के लिए, और यहाँ से जाने के बाद मैंने खुद पर इतना मेहनत किया है कि आज मैं इस काबिल हुआ कि सर ने मुझे बार के लिए। कैमरामैन को कहेंगे कि पूरी क्लास को दिखाया जाए साथ में, एक साथ नहीं दिखाया जाए प्लीज। तो यहाँ पर दीपक सर आप इनको क्या सलाह देने चाहेंगे कि क्या जरूरी है, क्या एक मोबाइल में सिर्फ सॉफ्टवेयर जरूरी है या एक मोबाइल में, या जो हमारे व्यूवर्स हमारे फेसबुक से देख रहे हैं क्या जरूरी है? बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर करता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं मैं सिर्फ एमएमसी का काम करता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं मैं सिर्फ हार्डवेयर कर लेता हूँ, पर क्या ऐसे लोग सही हैं मार्केट में जो आधा अधूरा काम कर लेते हैं, सही बताइए? नहीं सर मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि पर्टिकुलर एक इंसान मतलब एक काम करके उसमें 100% वो बोल सके, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा
चाहूंगा कि आपको काम तीनों आना चाहिए, तभी आप बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर पाएंगे। अगर आप कोई आईसी रिवॉल्व ना कर पाए तो आप क्या ईएमएमसी उठा पाएंगे क्या? उठा पाएंगे क्या? नहीं उठा पाएंगे। तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाने के लिए आपको बिल्कुल कंप्लीट कोर्स करना पड़ता है, जिसमें आपको एशिया टेलीकॉम दे ही रहा है कोर्स। अगर आप देखिए, मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपको बेसिक से ना बताया जाए, एक डीसी की रीडिंग ना बताई जाए, तो आप क्या जज कर पाएंगे क्या इसमें सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है या फिर ईएमएमसी का फॉल्ट है? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए एक बोलते हैं कि कंप्लीट एक काम को करने के लिए आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यही चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभी मैं स्टूडेंट से भी पूछना चाहूंगा, दुर्गेश सर से। दुर्गेश सर बताओ कि क्या किसी स्टूडेंट एक काम को पकड़ के चले या कंप्लीट बनना चाहिए, उसको एक वन मैन आर्मी टाइप बनना चाहिए, बताइए। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वो आपको बोल के नहीं आएगा कि वो हार्डवेयर से प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है कि ईएमएमसी से प्रॉब्लम है। आपको डायग्नोस करना आना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कहाँ से, तभी जाके आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो कभी भी आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको कंप्लीट कोर्स करने से ये फायदा होता है कि आप उसको डायग्नोस कर पाएंगे कि वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड है कि ईएमएमसी से रिलेटेड है। ठीक, मैं यही चीज़ मैं एक बार और पूछना चाहूँगा, मिलन सर बताइए। सर मैं बताऊँ तो ईएमएमसी की अगर कोई सिर्फ एक काम करे तो कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मान लीजिए मैं ईएमएमसी आईसी खोल रहा हूँ और एक कैपेसिटर निकल गया, और उस कैपेसिटर की वजह से, मैं रजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ईएमएमसी के पास ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर है जिस कैपेसिटर की वजह से आपका फोन चालू ही नहीं होगा, चालू नहीं होगा। तो आप कंपोनेंट की नॉलेज नहीं होगा, बूटिंग की नॉलेज नहीं होगा, ड्राइवर का नॉलेज नहीं होगा, सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होगा, तो आप ईएमएमसी नहीं कर पाएंगे। मुझे बताइए, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ईएमएमसी के लिए बैठता है, मान लो यही बच्चे अगर डायरेक्ट ईएमएमसी में बैठ जाते तो ब्लैक पेस्टर तो कर लेते, चलो वो तो ट्रिक पे होता है, कोई नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं होती, डुअल डेकर भी करवा देते हैं, बट एक जो बोर्ड को देखने का नजरिया शायद बदलता क्या है इनका, बताइए। नहीं सर, अगर वो सिर्फ खाली ईएमएमसी करने आए, मेरे हिसाब से वो पैसा वेस्ट करने आएगा, क्योंकि उसको कंपोनेंट जो नॉलेज नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसको ना होगा आपका बाजू में, मान लीजिए ईएमएमसी के नीचे कोई आईसी लगा हुआ है, तो वो आईसी क्या है पहचान में ही नहीं आएगा कि कौन सा आईसी है, किस काम के लिए। इवन से ईएमएमसी के मार्केट में थोड़ा काम आते हैं, डेड फोन ईएमएमसी को बोल के नहीं आता, कस्टमर कभी नहीं बोलेगा सर ईएमएमसी बनाओ, कस्टमर तो हाथ में डेड फोन पकड़ाएगा, ईएमएमसी को हमको ट्रेस करना है, हाँ कि ना। मैं मोहम्मद सर से पूछना चाहूंगा, मोहम्मद सर को दिखाऊंगा नहीं, बार पूछूंगा, वो एक हमारा सितारा है, वो मोहम्मद सर को अगर आपको देखना है तो आपको टिकट देनी पड़ेगी यहाँ पर, जैसे इन लोगों ने दी है, ठीक है। ये हमारा जिसको सो स्टॉपर बोला जाता है, तो उसको देखना है तो यहाँ आना पड़ेगा। मोहम्मद सर मुझे बताइए, इस स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या एडवाइस है? पहली बात तो ये है, काफी इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा कि पहले दिन क्या पढ़ा देते हैं, ईएमएमसी, और दूसरे दिन क्या पढ़ा देते हैं, सॉफ्टवेयर। अगर मैं तुमको अगर पहले दिन ईएमएमसी पढ़ा देते हम, तो हम तुमको और दूसरे दिन पढ़ा देते सॉफ्टवेयर, तो समझ में आता क्या कुछ? समझ में आता क्या? क्यों? वेरी गुड। क्यों समझ में नहीं आता? सर जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, जब तक आपको पीसीबी का नॉलेज नहीं है, जब तक आपको सरफेस का नॉलेज नहीं है, जब तक आपको कंपोनेंट का काम नॉलेज नहीं है, कंपोनेंट काम क्या करता है ये नहीं मालूम है, और देव सर की स्पेशल क्लास जिसमें आईसी का प्रोटोकॉल बताते हैं सर एक्स वाई जेड पूरा शुरू से लेकर एंड तक, जब तक उसका नॉलेज नहीं है आपको, आई थिंक मैं नहीं बोल सकता कि आपका हार्डवेयर कंप्लीट होगा बिना देव सर के एशिया टेलीकॉम का, कभी भी। ठीक है, मैं अब क्लास से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे दिखाइए इनको, यहाँ पर किस किस ने यहाँ पर तीसरे दिन में लाइव 4G पावर आईसी निकाल के लगा दी, बताओ, दिखाओ एक बार सबको, ये देख सकते हैं आप जैसे। चलो ठीक है, अब मुझे बताइए चौथे दिन में लाइव 4G सीपीयू निकाल के लगाया, चालू किया सेट को, चालू किया लाइव निकाल के, आप में से किन किन लोग ने बताओ, जो फ्रेशर्स को भी एसएमडी पकड़े ही नहीं था हाथ में, वो कौन, वो हाथ उठाओ खाली जो एसएमडी नहीं पकड़े थे हाथ में, दिखाइए। लाइव देख सकते हो, मतलब चौथे दिन इन्होंने सीपीयू लगाया, दूसरे तीसरे दिन पावर लगाया, और इन्होंने आज तक कभी एसएमडी को ग्रिप नहीं किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं देखो, बहुत सारे टाइम हो जाएगा इनको, हमारे पास क्लास देनी है, आप थोड़ा पास आइए, यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट को उठाता हूँ, वही क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है, महाराष्ट्र। प्रमोद कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से दो चीज़ पूछूंगा, पहली चीज़ कि एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना, और अब से लेकर अब तक का क्या सफर है? मैं देव सर की जब भी वीडियो देखता था, जो टेक्निकल लैंग्वेज उनको लगती थी, बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे, लेकिन जो इनकी टेक्निकल लैंग्वेज मेरे को लगी, देखी मैंने, हो वो देखकर मैंने एडमिशन लिया, और जो भी कोई लाइव देख रहा है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा उनके लिए, अगर पत्थर बनकर आओगे तो इधर से मुहूर्त बनकर ही जाओगे। जाओगे यार। यस, चलो थैंक यू वेरी मच।
उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाले